निर्वासित तिब्बत सरकार की संसद के उपाध्यक्ष आचार्य येशी फुनसुक ने भारत सीमा पर चीन से बढ़ती तनातनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चीन पर कोरोना वायरस को लेकर वैश्विक जवाबदेही से बचने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत भारत के साथ उत्तर पूर्वी सीमा पर तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल से जारी तनाव के पीछे चीन की रणनीति खतरनाक है। चीन विश्व भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर अपनी जवाबदेही व अपनी आंतरिक समस्याओं से दुनिया के अन्य देशों का ध्यान हटाने की चाल चल रहा है। LAC पर हुई झड़प में भारतीय सेना के जवान शहीद होने की घटना के बीच निर्वासित तिब्बत सरकार की संसद के उपाध्यक्ष आचार्य येशी फुनसुक ने कहा कि 1960 में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से चीन की नजर अपनी सीमा से लगते भारत के इलाकों पर थी। उन्होंने कहा कि वे पिछले कई सालों से यही बात कर रहे हैं कि चीन की मंशा हमेशा से भारत के उत्तर पूर्वी भूभाग को हड़पने की है, इसलिए लद्दाख में तनाव को लेकर कोई हैरानी नहीं है। चीन ने बीते वर्षों में भारत से लगती सीमा पर भारी ढांचागत विकास किया है। निर्वासित तिब्बत सरकार कहती रही है कि चीन ने जो तिब्बत के साथ किया वे भारत समेत अपने अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी कर सकता है। वर्तमान स्थिति भी इसी ओर इशारा करती है। उन्होंने चीनी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो भी उन्होंने LAC पर घटना को आमलीजामा पहनाया है वो बहुत ही निंदनीय है। ये तो चाइना सरकार के एक अलग सा अपनी जनता के दिशा को मोड़ने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि आज के वर्तमान परिस्थिति में चीन सरकार कोरोना वायरस विश्व में फैलने के कारण पूरा दब दबाव हो रहा है चीन सरकार को, और अपने जनता की ओर से भी वहां इन इन लोगों सरकार के खिलाफ में आ रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा जब जब चीन का अंदर आपस में दुनिया में जब इनको प्रेशर आता है तो ये दिशा अपने आप में मोड़ने के लिए ये चेष्टा करते हैं। इसीलिए आज ये अचानक भारत के जो सीमा में आज चीन के रवैया जो है ये अलग सा लोगों के ध्यान को खींचने के लिए चेष्टा के लिए ये किया है। वास्तव में युद्ध का संभावना तो वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, और इसीलिए ये आज पूरे केवल लद्दाख नहीं परंतु जो सीमा तिब्बत से पड़ता था भारत के साथ उस सभी में उन्होंने नोकझोंक के तैयारी में रखा है, ताकि वो अपने देशवासियों को ये बता सके कि हमारे देश के लिए पड़ोसी देश का खतरा है, महायुद्ध है, घमासान युद्ध होने वाला है, हम सबको एकजुटता होना चाहिए। तो ये गुमराह करने के लिए इसका रचाया है कि चीन के सेना जो है वो मजबूरी में हमेशा उनका तन मन धन का सेना नहीं है, वो देशभक्ति नहीं है, वो तो जबरदस्ती सेना में जाना पड़ता है। भारत की सेना जो है, अन्य देश की सेना जो है, वो तन मन धन से देश की रक्षा के लिए जाता है। तो वो उन लोगों में से बहुत सारे ड्रग्स पीने वाले भी है, शराब पीने वाले भी है, और इतना ठंडे इलाके में जो कभी जिंदगी में तिब्बत में जिसने बसाए नहीं, उस तरह की सेना लोग तिब्बत की सीमा में अगर रखना होता तो जीवन ही उनके लिए एक तरफ से कपना हो जाता है। तो इन लोगों का संतुलन हो गया है और इसीलिए मुठभेड़ हो गया है। तो इसीलिए ये निंदनीय है। ये दोनों पक्ष के जो अभी वार्तालाप का उल्लंघन किया है मैं निंदा करता हूं, और इस तरह की हरकतें बराबर होना नहीं चाहिए और करना नहीं चाहिए।